फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, जैसा कि स्टूडेंट्स के डिमांड पे हमने रिज्यूम बनाने का ये वीडियो बनाया, तो आप लोगों को हम आशा करते हैं कि पसंद आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त छोटे से वीडियो में आप लोगों को हम रिज्यूम बनाना सिखा देंगे कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ऑफिशियल रिज्यूम कैसे बनाते हैं। किसी कंपनी में देना हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में, कहीं भी कोई रिज्यूम अगर देना है हमें, तो वो रिज्यूम हम कैसे बनाते हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं मित्रों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हाउ टू मेक अ रिज्यूम दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रिज्यूम। क्या लिखेंगे? रिज्यूम लिखेंगे, रिज्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके हम अपने जो है सेंटर एलाइजन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से बोल्ड करेंगे और दो बार यहाँ बड़ा कर देंगे, थोड़ा हाईलाइटेड होना चाहिए ना। तो रिज्यूम देने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, सीधे रिज्यूम देने के बाद हम उसके एड्रेस पे चलते हैं जो कि हमारे लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो हम लोग लेफ्ट एलाइजिन का प्रयोग करके यहाँ पे लिख देंगे क्या, रत्नाकर उपाध्याय। क्या लिखेंगे? रत्नाकर उपाध्याय लिखेंगे भाई, हम अपना नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो RATNAKRUP हम अपना नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ ईमेल आईडी लिखते हैं। तो यूनिक ग्रुप प्राइवेट LTD@gmail.com, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना मोबाइल नंबर। क्या लिखेंगे? मोबाइल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? या तो आप चाहें तो यहाँ पे एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल रिज्यूम बना रहे हैं तो यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो मैंने एक मोबाइल नंबर लिखा 8912, दूसरा मैंने लिखा 54544। तो आप जितना मोबाइल नंबर लेना चाहें उतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा करके। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। देखिए, अब हमें बताना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या बताना होता है? अब हमें बताना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम रिज्यूम क्यों बनाए हैं, उस हमारे रिज्यूम में क्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैरियर ऑब्जेक्टिव। क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ कैरियर ऑब्जेक्टिव। हम इसको क्या करेंगे, ये हेडिंग है भाई, तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। बोल्ड करके फिर हम अपना लिखना शुरू करेंगे कि हमने हम जो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग देखिए लिखना शुरू करते हैं, टू सीक बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट वेयर आई कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ माई टैलेंट। देखिए, ये साफ साफ बता रहा, ध्यान समझिएगा हमारी बात को आप लोग, कि ये साफ साफ बता रहा है कि हम अपने टैलेंट का पूरा यूज करेंगे और प्रोफेशनल नॉलेज आई वॉन्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड माई सेल्फ, ठीक है। हम अपना लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए, हम यहाँ पे जो हमारे तो एक आध अगर स्पेलिंग नॉलेज की स्पेलिंग अगर गलत हो तो हम नॉलेज की स्पेलिंग सही कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, ये हमारे MS ऑफिस में दिया रहता है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो सीधे हमारा क्या आता है, अकेडमिक क्वालिफिकेशन। क्या आता है? अकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो हम अपने अकेडमिक क्वालिफिकेशन को लिखेंगे यहाँ पे, हम अकेडमिक क्वालिफिकेशन को लिखने के बाद ये हमारा क्या है, ये है हमारा
हेडिंग तो हम इस लोग इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। बोल्ड करने के बाद हम टेबल लेंगे जिसमें हम लोग पूरे एकेडमिक का ऑप्शन, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में टेबल मेनू में जाएंगे और हमें क्या लेना है, मान लीजिए हमें 5 रोज 5 कॉलम लेने हैं, तो हम 4 कॉलम यहाँ पे लेंगे। और कितने रोज लेंगे, हम 4 रो भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग कितना लेंगे, हाँ 4 ले सकते हैं, चलिए हम लोग 4 ही लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिनेशन, क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन लिखेंगे। फिर हमने कौन से बोर्ड से पास किया है दोस्तों, कौन से बोर्ड से पास किया है, फिर हमारा ईयर क्या है पासिंग, फिर हमारा क्या है परसेंटेज। देखिए क्या है ना कि आप जो है जितना शॉर्ट लिखेंगे उतना ही अच्छा, उतना ही सारे क्वेश्चंस कम होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आप जितना भी बनाएंगे, जितना भी हार्ड बनाएंगे, उतना ही हार्ड होगा, आपको प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को आसानी है कि कम से कम वर्ड में अच्छा रिज्यूम बनाने का प्रयास करें। हम यहाँ पे लिखेंगे 10th, 10th बोर्ड लिखेंगे, भाई हम यूपी के हैं तो यूपी बोर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यूपी के हैं तो यूपी बोर्ड लिखेंगे। ईयर मान लीजिए हमने पास किया था 2012 में, फिर परसेंटेज निकालते हैं तो 87% लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ 12th भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, 12th लिखने के बाद हम भी यूपी बोर्ड ही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको कॉपी करिए, ठीक है, क्या करिए, यहाँ से इसको कॉपी करिए, यहाँ ले आके पेस्ट कर दीजिए भाई। पेस्ट करने के बाद देखिए ये गलत जगह पेस्ट हो गया है, तो हम यहाँ से इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ 2014 कर देते हैं, फिर परसेंटेज में 80%। अब हमने क्या किया है, ग्रेजुएशन, क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन में मान लीजिए हमने बी कॉम किया है, क्या किया है, बी कॉम किया है, या फिर अब हम जो भी किए हैं एम टेक बी टेक ओ लेवल जो भी किए हैं हम सारे अपने इसमें डालेंगे। बी कॉम मान लीजिए किया है हमने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हमने कब किया है, 2017 में कंप्लीट कर लिया है 70% से, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारे डिटेल्स हो गए। फिर उसके बाद जो भी हम किए हैं, जैसे मान लीजिए बी टेक एम टेक ओ लेवल कुछ भी किए हैं, तो यहाँ पे हम आसानी से दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं देना है तो यहाँ से सेलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए इसको, तो आसानी से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हम डिलीट रो कर देते हैं, तो रो हमारा डिलीट हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा जो आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर एडिशनल नॉलेज, क्या आता है, एडिशनल क्वालिफिकेशन आता है और एडिशनल नॉलेज आता है। तो अगर हम एडिशनल नॉलेज की बात करें, एडिशनल नॉलेज की अगर हम बात करें, तो एडिशनल नॉलेज हमारा क्या होगा, हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम एडिशनल नॉलेज हम अपना क्या है, इसको हम लोग बोल्ड से हटा देते हैं ताकि हमारा मैच ना करे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बोल्ड से हम लोग हटा देंगे ताकि हमारा मैच ना करे कुछ भी, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल नॉलेज में क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे CCC हमने पास किया है बाय द वे मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद टैली भी किया है हमने, ठीक। फिर उसके बाद कोई आप सिंगिंग कंपटीशन NNC NCC कुछ भी आपने किया है, तो एडिशनल जो भी है आपके पास आप इसमें डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट में आता है वो आता है क्या, पर्सनल क्वालिफिकेशन, क्या आता है, पर्सनल क्वालिफिकेशन आता है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल पर्सनल डिटेल्स, क्या लिखेंगे, पर्सनल डिटेल्स, इसको हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे, क्योंकि क्या है ये हेडिंग है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है अच्छे से, अगर जिसको बात ना समझ में आ रही हो वो हमसे क्वेश्चन करे भाई, आप लोग कमेंट तो कर सकते हैं ना, कुछ करें या ना करें कमेंट तो कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पर्सनल पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल में सबसे पहले लिखेंगे अपने पापा का नाम, यानी कि फादर्स नेम, फादर नेम। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे फादर नेम में, मान लीजिए फादर नेम में हमने लिख दिया क्या, उमेश चंद्र उपाध्याय, ठीक है। फिर हम यहाँ पे मदर नेम लिख देते हैं,
मदर नेम भी हम लिख देते हैं अपना, ठीक है। फिर मदर नेम लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, मदर नेम लिखने के बाद हमारा डिटेल क्या होता है, मदर नेम लिखने के बाद हमारे पास जो होता है वो होता है एड्रेस का डिटेल, क्या होता है एड्रेस का डिटेल। तो हम एड्रेस की अगर हम बात करें तो हम लिख देंगे क्या, नियर नियर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सलोरी प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, 211004, ये हमारा पिन कोड हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो कि आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ तो भाई पता है क्योंकि इसी के बेस पे तो सब कुछ होता है ना। तो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे हम अपना 1/1/1998, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद क्या आता है हमारा, मैटेरियल स्टेटस आता है, क्या आता है, मैरिटल स्टेटस आता है, तो मैरिटल स्टेटस अपना लिखेंगे मैरिटल मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे अपना हम। तो उसमें क्या लिखेंगे भाई, अभी हम अनमैरिड है, देखिए शादी वादी नहीं हुई है अभी, तो हम अनमैरिड लिखेंगे। आप लोगों की हुई है तो आप लोग भी लिख सकते हैं, अन्यथा कोई झूठ नहीं लिखेगा कि हो गई है क्योंकि अभी शादी करना है ना, तो अनमैरिड लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लैंग्वेज पे आते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज हम जानते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज नोन हम लोग ऑप्शन डालते हैं, लैंग्वेज नोन का ऑप्शन डाल के हम क्या डालेंगे, हिंदी हिंदी इंग्लिश इंग्लिश और क्या जानते हैं, पंजाबी और क्या जानते हैं, एंड भोजपुरी, पंजाबी एंड भोजपुरी, कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश हिंदी पंजाबी एंड भोजपुरी दोस्तों। तो जितनी भी लैंग्वेज हम लोग जानते हैं हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अपना एम लिख सकते हैं, अपना लक्ष्य, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, ये सारी चीज़ जितना हम लोग डालना चाहें पर्सनल डिटेल में हम लोग डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसमें कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अब मैं आकर बन के तैयार हो गया। उसके बाद लास्ट में हम लोग एक चीज़ डालते हैं, जान लीजिए आप भी सबसे ज़रूरी, वो होता है डिक्लेरेशन, ठीक है, कि भाई हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो सही है कि नहीं सही है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन लिखेंगे, जिसमें हम लोग लिखते हैं क्या, जिसमें लिखते हैं हम लोग आई हेयर हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिव्स एवब इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा लिखना पड़ता है हम लोग किस जगह से हैं, प्लेस, क्या लिखेंगे हम लोग, प्लेस लिखेंगे हम लोग, जो भी प्लेस, मान लीजिए हम प्रयागराज से हैं तो हम प्रयागराज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हम एक चीज़ और लिखते हैं जिसका नाम है डेट, तो जो डेट है हमारा वो क्या है, 31 मार्च 2020, तो हमने क्या किया, डेट लिख दिया। तो ये सारी चीज़ हमारा क्या हो गया, रिज्यूम बन के तैयार हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रिज्यूम बन के हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना नाम, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में नहीं जानते तो भी लास्ट में आप अपना नाम जरूर लिखिए दोस्तों, ताकि ये पता चले कि आपने ही रिज्यूम बनाया है अपना और क्लेरिफिकेशन आपकी पूरी है। उपाध्याय लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग अपने इस चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। तो ये हमारा रिज्यूम बनकर तैयार हो गया है, जिसको आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बता दें आपको कुछ चीज़ें इसमें सेटिंग कर सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमारा ये गलत है तो हम इसको यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं,
जो भी हम जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, सारा सब कुछ हम लोगों के हाथ में होता है दोस्तों, जैसे हम लोग इसको हैंडल करना चाहें कर सकते हैं। ये रिज्यूम हो गया। बाकी कुछ लोगों की नीड होती है कि सर हमें फ़ोटो लगाना सिखाइए। क्या लगाना सिखाइए? फ़ोटो लगाना सिखाइए। तो भाई ये बताइए आप हमसे कि ज़रूरी थोड़ी होता है फ़ोटो लगाना, अगर ज़रूरी है तो हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है? अगर ज़रूरी है फ़ोटो लगाना तो हम फ़ोटो लगाना भी सिखा देते हैं आपको, फ़ोटो कैसे लगाते हैं हम लोग, ठीक? तो हम बताते हैं फ़ोटो आखिर कैसे लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो है बोल्ड कर देंगे, इनको भी बोल्ड कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारी हेडिंग क्या है दोस्तों, क्या है हमारी हेडिंग, क्या क्या है ये पता चलनी चाहिए ना हमें कि हमारी हेडिंग क्या है, हम हेडिंग क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं और हमारे कंटेंट क्या है। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे हम, हेडिंग कर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इनको कर लेते हैं, मदर्स को भी हम लोग यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, ठीक है? यहाँ से इनको भी बोल्ड करते हैं, फादर को भी, डेट ऑफ बर्थ को भी, मैरिटल स्टेटस को भी और लैंग्वेज नोन को भी, ताकि हमें पता चलना चाहिए कि हमारी हेडिंग क्या क्या है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिज्यूम बनकर तैयार हो गया। बाकी आप अगर चाहते हैं बॉर्डर देना तो पेज लेआउट में जाके बॉर्डर यहाँ से आप दे सकते हैं। बाकी रिज्यूम में कोई बॉर्डर की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, आप अगर देना चाहते हैं सिंपली तो बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे सिग्नेचर करके जहाँ देना चाहें दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ फ़ोटो वाली बात रह गई, तो इंसर्ट में हम लोग जाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ले आके पेस्ट कर देते हैं। फिर जब हमारा ये हो गया तो यहाँ इंटरनली हम लोग राइट क्लिक करते हैं, ऐड टेक्स्ट करते हैं, फिर हम इंसर्ट में जाएंगे यहाँ से और पिक्चर उठा लेंगे। तो पिक्चर हमारी इसमें तो होगी नहीं, देखते हैं कोई पिक्चर हो तो हम इसमें ऐड करके आप लोगों को सिखा देते हैं आज कि हम लोग कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? हम इन्हीं की पिक्चर ऐड कर देते हैं, हमारी तो नहीं है लेकिन हम दूसरे की पिक्चर ऐड करके आप लोगों को सिखा देते हैं। देखिए अब हमारा ये फ़ोटो हो गया ना, अब देखिए एकदम बेहतरीन रिज्यूम तैयार हो गया है आप लोगों का, एकदम बेहतरीन रिज्यूम तैयार हो गया ना। बाकी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, दिए गए कॉन्टैक्ट से, दिए गए जीमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।